नमस्कार मेरे बच्चों, मैं राहुल अग्निहोत्री आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, तो बच्चों बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी। इस दुनिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बात पसंद आए तो बताइएगा मुझे। एग्जामिनेशन सेंटर पर तीन तरह के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जो एग्जाम के पहले पहुँचते हैं 15-20 मिनट पहले, और बढ़िया सी चाय की दुकान ढूंढते हैं और सिगरेट के छल्ले और ये सब ढूंढते हैं, बढ़िया मस्ती के साथ रहते हैं, चश्मा लगा होगा, स्टाइलिश, एक वो होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे वो होते हैं जो पहले पहुंच जाते हैं आधे घंटे पहले, और पढ़ के घर से खूब आए, अब टेंशन नहीं ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक तीसरे तरह का स्टूडेंट होता है जो एग्जामिनेशन सेंटर पर काफी देर पहले पहुंच जाता है, नहीं 1 घंटे पहले, वहां पढ़ने की शुरुआत कर दो, बगल वाले का देखता उसने ये पढ़ा हुआ है और फिर वो अपना देखता मैंने यार ये पढ़ा कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन में रहता, वो तुरंत पढ़ता है उसको। तो बेटा वो बच्चे भी होते हैं ना। अब एग्जाम शुरू होता है और एग्जाम खत्म भी होता है, और एग्जाम खत्म होने के बाद ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। जो चाय की चुस्कियां और सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा था वो तो मस्ती के साथ बाहर निकलता है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और जो घर से पढ़कर आया था तो वो क्या सोचता है कि चलो क्या है, अब घर से पढ़कर आया था तो अब घर पर ही जाके देखूंगा। एक तीसरे तरह का स्टूडेंट भी होता है जो मैंने आपको बताया था, वो वहीं के वहीं चेक करने की कोशिश करता है कि मेरे कितने सही है, मेरे कितने गलत है, और जितना सही होता है सो बल्लियों उछलता है, और गलत होता है तो दुख मनाता है। ऐसे तीन तरह के बच्चे आपने देखोगे। बेटा आप डिसाइड करिएगा इसमें कौन सा बच्चा बेटर है, ऑफलाइन में कॉमेंट जरूर करिएगा, फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा मेरी क्या राय है इसमें और स्टूडेंट्स की क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। पर बच्चों याद रखिएगा, अंत समय भी पढ़ना कई बार काम आता है ना। तो बच्चों जरूर से राय दीजिएगा अपनी ऑफलाइन में कमेंट करके, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।